चलो ना अभी आप पीडीएफ भेजेंगे? नहीं, पीडीएफ भेजने वाले नहीं हूँ, आपको फेसबुक में लिखना ही है। कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ हम 9 कर रहे थे, जिसका स्वाध्याय लिख रहे थे। पाठ 9 है कैसा शोर, बराबर, जिसमें हमने पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए, यह प्रश्न हमने लिखा था, जिसमें हमने 5 विकल्प लिखे थे, यह सभी ने लिख लिए है ना? ओके। उसके बाद प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह भी लिख ली, ये भी हमने लिखी हुई थी, जिसमें हमने 6 खाली जगह लिखी थी, बराबर। उसके बाद मैंने यह विधान भी आपको लिखवाए कि विधान पहचान कर सब्जी के नाम लिखिए। तो क्या बेटा, यह भी लिख लिया? हाँ हाँ, यही मैं बोल रही हूँ, विधान पहचान कर सब्जी के नाम लिखिए या शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, बराबर। इसमें से कोई कुछ भी पूछा जा सकता है, जिसमें यह जो विधान है वह हमने लिखे थे, उसके जवाब भी हमने लिखे थे। और अब हमारा प्रश्न जो है उसके बाद का 4, उसकी सूचना भी हमने लिख ली थी, सब्जियों का परिचय दीजिए। प्रश्न 4, सूचना लिख ली आपने? सब्जियों का परिचय दीजिए। नंबर आप लिख रहे हो ना? हाँ। ओके, यह जरा पढ़ के बताइए मुझे क्या लिखा है। प्रश्न 4, सब्जियों का परिचय दीजिए। वेरी गुड, आगे कौन सी सब्जी है? बैगन। उसके बारे में बोलिए। बैगन काले रंग का होता है। इसके माथे पर मेरे ये। वेरी गुड। बैगन लंबा हो। वेरी गुड। आपकी आवाज ठीक से नहीं सुनाई देती बेटा। बैगन की सब्जी और भरता 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 बनता है। वेरी गुड। चलो तो लिखो, सबसे पहले आपने सूचना लिखी, सब्जियों का परिचय दीजिए, जिसमें एक करके लिखिए बैंगन, बैंगन, बैंगन काले रंग का, बैंगन काले रंग का होता है, होता है, उसके उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन बैंगन
गोलियां, गोलियां लंबा लंबा होता है, होता है। हाँ, बैंगन की सब्जी और भरता, भरता काउंस में लिखो ओड़ो, भरता यानी उसका मतलब है ओड़ो, काउंस पूरा बनता है। बनता है, उसके बाद लिखिए। बैंगन का सभी ने लिख लिया बेटा? बैंगन लिख लिया बाकी किस कितना बाकी है बेटा? बाकी है सब्जी पर पहुंचे। ओके, फटाफट से लिखो। दो नंबर करके लिखिए, टमाटर। टमाटर टमाटर लाल रंग का, लाल रंग का होता है, होता है। उसका स्वाद स्वाद खट्टा मीठा, उसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। टमाटर टमाटर गोल गोल होता है। टमाटर गोल होता है। वह सबको अच्छा अच्छा लगता है। वह सबको अच्छा लगता है। टमाटर से टमाटर से
सोस सोस सूप सूप सब्जी भी बनती है चलो लिख लिया टमाटर के बारे में। बॉयस एटी थ्री नंबर यस मिस लिख लिया ओके हाँ सभी ने लिख लिया ना किसी को बाकी नहीं है ना बेटा नो ओके चलो उसके बाद लिखिए करेला उसके बाद लिखिए करेला फिर डैश करके लिखिए करेला करेला हरे रंग का करेला हरे रंग का होता है वह ज्वर ज्वर यानी कि बुखार काउंस में हमें लिखना है बुखार ज्वर काउंस में बुखार काउंस पूरा मधुप्रमेह यानी कि डायबिटीज तो काउंस में लिखिए डायबिटीज जैसी बीमारियों में उपयोगी है जैसी बीमारियों में उपयोगी है उसका स्वाद कड़वा होता है उसका स्वाद कड़वा होता है उसके दोनों छोर उसके दोनों छोर नुकीले यानी कि बन्ने छेड़ा एना अणी वाला होय छे तमे कारेलू जोयो होय ने तो बन्ने छेड़ा एना अणी वाला होय छे ने वच्चे थी जाडो होय छे नुकीले यानी कि अणी वाला
उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं, वह शरीर के स्वास्थ्य के लिए वह शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, अच्छे है, उसकी सब्जी जूस बनता है। चलो लिख लिया सभी ने। किसी को बाकी है बेटा? किसी को बाकी है? क्योंकि परीक्षा में ये आपको एक या दो या तीन मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, बराबर। तो अच्छी तरह से आपको लिखना है और याद भी करना है। चलो उसके बाद लिखो लौकी। उसके बाद लिखो लौकी, फिर डैश करके लिखिए लौकी हरे रंग की मुझे लिख लो ये लिखा क्यों लौकी हरे रंग की और लंबी होती है, लंबी होती है, वह शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त इसमें तो स्वास्थ्य ही लिखा है। हाँ वहाँ मिस्टेक हुई है बेटा। आप हमें क्या लिखना है? स्वस्थ और तंदुरुस्त तो लिखना है, थ नहीं लिखना है, ठीक है? रस्त रखती है उसकी सब्जी और
हलवा हलवा भी बनता है, बनता है। लौकी लौकी सिर पर बनाने वाले तेल में भी उपयोगी है। लौकी का सबने लिख लिया परिचय? उसके बाद लिखिए गाजर, उसके बाद लिखिए गाजर। गाजर गाजर लाल रंग का होता है। गाजर लाल रंग का होता है। गाजर स्वाद में गाजर स्वाद में मीठा मीठा होता है। गाजर स्वाद में मीठा होता है। गाजर गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला नुकीला यानी अणिवाणु नुकीला होता है। उसका उसका आचार पुलाव आचार पुलाव सलाड सलाड और हलवा हलवा बनता है। चलो गाजर के बारे में लिख लिया सभी ने। हाँ 88 मिस लिख लिया सभी ने। ओके चलो उसके बाद लिखिए प्रश्न 5। उसके बाद लिखिए प्रश्न 5।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में लिखिए। सूचना लिख ली सभी ने? सूचना लिख ली सभी ने? बॉयज चलो उसके बाद पहला प्रश्न लिखिए। प्रश्न एक बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे। जवाब में लिखिए बिरजू चाचा पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। सभी सब्जियां क्यों इकट्ठा हुई। सभी सब्जियां क्यों इकट्ठा हुई? जवाब में लिखिए सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठा हुई। उसके बाद का प्रश्न है सब्जियां खेलते 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 खेलते
क्या करने लगी सब्जियां खेलते खेलते क्या करने लगी। जवाब लिखिए। सब्जियां खेलते 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 नोक झोक करने लगी। नोक झोक करने लगी। चलो उसके बाद का प्रश्न 93 नंबर 93 नंबर एटी थ्री नंबर हेलो मिस 63 से क्या हाँ आप लिख रहे हो ना। हाँ मिस लिख रहे हैं। तो प्रश्न पढ़िए। तो कौन सा प्रश्न लिखवा रही हूँ आखिर का प्रश्न पढ़िए। सब्जियाँ खेते सबसे नीचे की लाइन कौन सी सब्जियाँ कलगीदार होती है। वेरी गुड। चलो प्रश्न लिखिए। कौन सी सब्जी कलगीदार होती है। चलो जवाब लिखिए। बैंगन और मिर्च कलगीदार सब्जी है। कलगीदार सब्जी है। चलो ये सारे प्रश्न के उत्तर लिख लिए सभी ने। किसी को बाकी नहीं है ना। नहीं है। बाकी है किसी को? सभी ने लिख लिए। हमने प्रश्न 5 में 4 प्रश्न के उत्तर लिखे। कितने लिखे? 4 बराबर। और प्रश्न 4 में हमने 5 सब्जियों का परिचय लिखा। तो यह आज के होमवर्क में प्रश्न 4 सब्जियों का परिचय जिस